आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम के बारे में। ऐसा प्राणायाम जो प्राणायाम का अभ्यास ही आपको ध्यान में ले जाएगा। ऐसा प्राणायाम आप चाहे जितने भी कष्ट में हो, ऐसा प्राणायाम आप चाहे कितने भी अवसाद, स्ट्रेस और मानसिक समस्याओं से जूझते हो, वह अकेला प्राणायाम आपको उन सब समस्याओं से बाहर निकालने में सक्षम है। और कल नहीं, परसों नहीं, आज आप उसका अभ्यास करेंगे, आज ही आप उससे बाहर, समस्याओं से बाहर निकलकर उसका प्राणायाम का लाभ उठा सकेंगे। वह जादुई प्राणायाम है भ्रामरी। भ्रामरी शब्द बना भंवरे से, जो भंवरे का भ्रमर है, जो ये जो वाइब्रेशन है, जो मकार का जो साउंड है, मकार की जो ध्वनि है, उसी का प्रभाव जो हमारे शरीर और मन पर पड़ता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं, बीपी हाई होना लोग कहते हैं, और बीपी लो होना सिर्फ एक पक्ष में नहीं। देखिए, योग का उद्देश्य है आपको मध्य मार्ग में लेकर आना। आप लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, लेकिन योग आपको दोबारा बार बार मध्य में लेकर आएगा। और यही एक सही अभ्यास की पहचान और निशानी भी है। भ्रामरी प्राणायाम अनेक शारीरिक और मानसिक रोगों के उपचार में समर्थ है। और इसके मात्र अभ्यास से ही, जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, आप इसका आनंद महसूस कर पाएंगे। एक बार हम इसकी विधि देख लेते हैं, फिर मैं इसके लाभों पर और चर्चा करूंगा। किस प्रकार से आपने अपनी श्वास को औषधि के रूप में परिवर्तित करना है, किस प्रकार से भीतर आती हुई श्वास बाहर जाती हुई ध्वनि के रूप में परिवर्तित हो जाए, किस प्रकार से आप अपनी श्वास के जादू को महसूस कर सकें, इसके लिए लंबी श्वास लें, इस प्रकार से मकार की ध्वनि के साथ आप श्वास को बाहर निकाल दें, परम आनंद को आप महसूस करेंगे। अब इसमें अनेक प्रकार की वेरिएशंस भी हैं कि इस प्रकार से भ्रामरी प्राणायाम में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके आप उसके लाभ को और निकटतम रूप में महसूस कर सकते हैं। जैसे आप दोनों हाथों का प्रयोग करके किस प्रकार से और अधिक इस कंपन को, भ्रमर की ध्वनि को महसूस कर सकते हैं, मैं कुछ विधियां मैं आपको बता देता हूं। एक तो है, दोनों अंगूठों से कानों को बंद कर लें, फिर दोबारा उसी तरह से लंबी श्वास लें, इस प्रकार से श्वास को बाहर निकालते हैं। आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे कंपन 10 गुना बढ़ गया। इतना आनंद तो पहले कभी श्वास छोड़ने में आता नहीं था, जैसा कि अब आप महसूस कर पाएंगे। एक और विधि है, आप दोनों अंगूठों से इसी प्रकार से कानों को बंद करें और चारों उंगलियों से आंखों को ढक लें। इस प्रकार से लंबी श्वास लें, श्वास को बाहर जाने दें। अंतिम जो श्वास के कण है, जो ऑक्सीजन है, वो भी बाहर निकल जाए, उसके साथ साथ पेट आपका भीतर सिकुड़ता जाएगा, जो कि एक स्वास्थ्य का लक्षण है। एक और विधि भी है जिसमें दोनों हाथ सिर पे रख सकते हैं, या एक हाथ सिर पे, एक हाथ कान पे रख सकते हैं।
इस प्रकार से अनेक विधियों से आप इस कंपन को महसूस करें। अगर आप कंठ के मध्य में, जहाँ आपके हमारा वोकल बॉक्स है, वॉइस बॉक्स है, वहाँ पे अगर आप अंगूठा लगाएंगे तब भी आप इस कंपन को निकटतम और स्पष्टतम रूप में महसूस कर पाएंगे। यही वो उद्गम का स्थान है। हमारी वाणी का उद्गम इसी स्थान से हो रहा है। और आप यदि आप सिर दर्द भी महसूस कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहा है कि शहर की भाग दौड़ से बहुत थक गए, कुछ आनंद प्राप्त नहीं होता, पैसा कमा कमा के थक गए, घर परिवार सब है लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं है, आंख बंद करके लगभग 10 मिनट भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आपको सब प्रकार की परेशानियों समस्याओं से दूर ले जाकर आनंद के सागर में गोते लगवाएगा। यह प्रभाव है भ्रामरी प्राणायाम का। आप मेरी बातों पर विश्वास ना करें, बिल्कुल भी ना करें, अपने अभ्यास पर विश्वास करें। जब आप इस अभ्यास को अपने जीवन में उतारेंगे, आप जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन महसूस कर पाएंगे। यदि आप अभी तक यहाँ हैं तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अनेक लोगों की सहायता आप इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे मैं आप तक पहुँचा, इसे अनेक अनेक लोगों तक पहुँचाएँ। और आप सबके मंगल की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।